अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। सवाल पूछा गया है कि निकाह के वकील का रिश्तेदार होना लाजमी है या किसी को भी वकील बनाया जा सकता है। हम जो निकाह करते हैं, निकाह के अंदर हम किसी को भी वकील बना देते हैं, जो हमें मिलता है उसको वकील बना देते हैं। जैसा कि निकाह के लिए बैठे हैं, कोई भी बंदा वहाँ पर है तो हम किसी को वकील बना देंगे। इस तरीके से जब हम अदालती निकाह करते हैं तो जहरी बात है, वहाँ पर तो माँ बाप नहीं होते, वली नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम किसी को वकील, किसी भी वकील बना देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या निकाह के लिए रिश्तेदार का होना, माँ बाप का होना या फिर किसी और को भी वकील बनाया जा सकता है। ये बात जहन में रखें कि जब हम निकाह करते हैं तो उसमें कुल जो वकील होते हैं वो गालिबन चार वकील होते हैं। एक तो जैसे लड़की है उसका वकील है, मैं कानूनी एतबार से आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे लड़की है ठीक है, वो उसका एक वकील होगा, फिर आगे से वकील के दो वकील होंगे, जो वकील बनेगा ना उसके आगे वकील के दो वकील होंगे, एक शादी गवाह होगा, कुल चार वकील होंगे। एक वकील, फिर आगे वकील के दो वकील, फिर आगे एक शादी गवाह, ठीक है। इस तरीके से लड़के का मामला है। तो क्या जितने भी ये वकील बने तो क्या इनका रिश्तेदार होना ज़रूरी है, ये हम किसी को भी वकील बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये इसी बात का जिक्र करेंगे आपके सामने कि वकालत के लिए क्या चीज़ शर्त है। तो पहली दफ़ा आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और पढ़ते हुए सुनने वाले कई और माँ बहनों, के वकील के लिए रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई वकील बन रहा है उसके लिए रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है, हम किसी को भी वकील बना सकते हैं, ठीक है, किसी को भी गवाह बना सकते हैं हम। मिसाल के तौर पर एक लड़का और लड़की निकाह करना चाहते हैं और सामने बंदे को बैठा हुआ है उसको हम वकील बना लें, ठीक है, कोई भी बंदा, लेकिन वो आकिल और बालिग मुसलमान होना चाहिए, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो के अगर औरत है, यानी कि दो औरतें एक मर्द के कई मकाम होती हैं, तो रिश्तेदारी इसमें ज़रूरी नहीं है, हम किसी को भी आकिल बालिग को मुसलमान को हम वकील बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्तेदार हो, वालिद साहब ही हो, कोई चाचा हो, मामा हो, ऐसा नहीं है, कोई भी वकील बने चाहे बने, लेकिन बेहतर ये है कि लड़की का वह वकील उसके वालिद साहब बने, लड़के का वकील उसके वालिद साहब बने, तो ये बेहतर है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।